बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने रेल दुर्घटना पर कहा कि वहां के जिला अधिकारी एसपी रात भर वहां बैठे रहे, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और स्थानीय सभी लोगों ने वहां सहयोग किया और एसडीआरएफ की टीम सबसे पहले वहां पहुंची। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार रात भर रहा, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस भेजे गए थे। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। केंद्र सरकार पर तंज हुए कहा कि रेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि हाल के दिनों में कितने रेलवे में दुर्घटना की घटनाएं बढ़ी हैं। लोग पहले सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन हाल के दिनों में दुर्घटना बढ़ी है। क्या टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि घटना घट रही है? घटना भीषण है, लेकिन मान लीजिए कि कैजुअल्टी ज्यादा नहीं हुआ। यह रेलवे के लिए अलर्ट है, रेलवे को देखना है यह सब चीज क्यों हो रही है। बहुत दुखद घटना है और पूरे जो वहाँ का प्रशासन है, जो डीएम है, एसपी हैं, वो रात भर वहाँ रहे हैं और बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है। ख़ास करके बिहार में एक अच्छी बात ये भी है कि वहाँ आसपास के जितने लोग हैं गांव के, वो सब लोग मदद करने आ गए। यहाँ से भी सबसे पहले एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची और यहाँ आपदा विभाग भी 2 बजे रात तक खुला हुआ था, एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा था। लगभग 50 एम्बुलेंस भेज दिया गया। बाद में हुआ कि अब ज़्यादा एम्बुलेंस हो गया, इस लेवल का यहाँ से ये किया गया और मुख्यमंत्री जी ने भी मॉनिटर कर रहे हैं सारे चीज़ को। उन्होंने घोषणा भी किया गया है कि 4 लाख रुपया हरेक मृतक के परिवार को दिया जाएगा और जिन इंजर्ड हैं उनको भी 50,000 रुपया दिया जाएगा। और ज़रूर रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को देखना चाहिए कि क्या हुआ कि हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, तो क्या रीजन है, क्या वजह है, वो भी जरूर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को एक चीज़ देखना चाहिए। लोग नॉर्मली सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने में, लेकिन ऑफलेट बहुत सारी घटनाएं हो। भारत सरकार ने भी 10-10 लाख रुपए दिए हैं और घायलों के इलाज की बात, अच्छी बात है ये, क्योंकि बेसिकली हुआ तो रेल दुर्घटना ही है ना। रेल तो भारत सरकार का ही है, बिहार सरकार तो अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कर रही है चीज़ों को। ये तो रेल दुर्घटना ही हुई है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, क्यों बार बार ये घटना। उड़ीसा में पहले घटना इतनी भीषण घटना हुई और ये तो मान लीजिए कैजुअल्टी उतना नहीं होगा, लेकिन घटना तो भीषण है। ये भी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का इतना सारा बॉगी टर्न कर गया है, यहाँ पर भी ये और भीषण और हो सकता था। तो ये तो बड़ा अलर्ट है रेलवे के लिए कि इमिडिएटली ज़रूर देखे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार सरकार अपने तरफ से सारी वो चीज़ कर रही है। जिस हमारे रेल मंत्री थे तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड बनवाया और रेलवे सेफ्टी फंड का दो सबसे बड़ा काम था कि रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन करना। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय में रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन किया गया और जो सिग्नल वगैरह है वहाँ पर, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर सिग्नल वगैरह को व्यवस्थित करना। तो उस समय जिस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, तो बाद में ऑलमोस्ट निल हो गया था दुर्घटना, लेकिन अभी बहुत सारी ये घटनाएं हो रही है। और रेलवे मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा, जो लोगों के मूवमेंट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है, अब उसमें अगर ये घटना लगातार हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है, सडनली ये चीज़ हो रहा है। तो ज़रूर रेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि भविष्य में ये चीज़ें न हो दोबारा।